आई एम ज्योति। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। लास्ट वीडियो में आपने व्हेन टू यूज, व्हेन नॉट टू यूज और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बना लिए थे। अब उसी स्ट्रक्चर में से कुछ एक्सेप्शन होते हैं या कुछ ऐसे रूल जो उसको थोड़ा सा फॉलो नहीं करते, ब्रेक करते हैं, या कुछ चीज़ उस पर ऐड होती है या रिमूव होती है। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं एक्सेप्शंस के बारे में सेंटेंस फॉर्मेशन के, और इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जो हम जनरली करते हैं तो उस पर हम फोकस करेंगे और आगे हम नहीं करेंगे, और इसके बाद एक सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्शंस में लेंगे सबसे पहले होम। अब स्कूल कौन आ रहा होगा? इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले लगता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन, तो हु। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? विल बी। लेकिन विल बी एक साथ नहीं लगता, हमेशा बी यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगेगा जो इंटरोगेटिव होंगे। तो हम विल पहले लगा देते, विल लगा दिया। अब इसका हेल्पिंग वर्ब का एक और पार्ट बचा वी। वी कब लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, हु ही एक्ट करता है सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट को ही हमने क्वेश्चन बना लिया है और वही हमारा क्वेश्चन वर्ड बन गया है। अगर मैं यहाँ कोई राम, श्याम, सीता कोई भी नेम लिखती हूँ तो ये सिंपल देखिए अफर्मेटिव बन रहा है, राम विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, इस टाइप से, ठीक है? तो इसका एक्सेप्शन बस क्या होता है? इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ही कौन बोलते हैं, जो नेम है उस पर ही हमने क्वेश्चन बना लिया, कौन, हु, ठीक है? तो इसमें विल भी एक साथ आता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पर लगता है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव की तरह इसका शो करे होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हु विल बी, फिर इसके बाद वर्ब आती है कमिंग, आईएनजी लग जाता है, कम को हटा के मैंने आईएनजी लगा दिया, ई को हटा के। अगर आपको ये रूल बनाना सीखना है कि फर्स्ट फॉर्म से कैसे हम आईएनजी लगाते हैं कंटिन्यूअस के लिए, तो आप मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो में जाइए, सेकंड पार्ट में जाइए, वहां पर आपको स्पेलिंग चेंजेस मिलेगा, हर तरह की स्पेलिंग मैंने वहां पर बता रखी है, तो वहां पर देखिए और कम कैसे चेंज हुआ वहां आपको ये मिल जाएगा। हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, मैदान में कौन खेल रहा होगा? तो कौन, हु, विल बी, हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो यानी कि अफर्मेटिव का रूल फॉलो करता है, लेकिन होता ये इंटरोगेटिव है क्योंकि हु इधर एज अ सब्जेक्ट यूज करता है, सब्जेक्ट को ही हमने क्या बना लिया, क्वेश्चन। हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता। अच्छा, अगर मैं इसमें नेगेटिव भी लगा दूं, स्कूल में कौन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हो सकता है सेंटेंस हम कभी यूज ना करें या सेंस नहीं देते, जस्ट आपको फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। हु विल, अब नॉट में विल नॉट यहाँ पर लगता है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं होता, वरना पहले यह सब्जेक्ट आता फिर नॉट भी लगता, अब सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट लग जाएगा, यानी कि अब ये नेगेटिव की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो यही ऊपर एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट को ही हम क्वेश्चन बना देते हैं, इसीलिए ये अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल की तरह शो होता है इसका जो सेंटेंस है। Who will not be coming to school now? Same ऐसे इधर कर देंगे, मैदान में कौन खेल रहा होगा? Who will, कौन नहीं खेल रहा होगा, नेगेटिव बनाना है हमें। Who will not be playing in the field? अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे how many, how much, whose, which, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड में क्या एक्सेप्शन होते हैं देखिए। वह कौन सी किताब पढ़ रहा होगा? कौन सी मतलब विच, इसका मतलब होता है कौन सी किताब, विच, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है तो विच, ठीक है? लेकिन इसके बाद विल आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने यहाँ बुक भी लगाया है। मैं आपको हर वीडियो में एक इस टाइप का जरूर बताती हूँ और बार बार यही चीज बताती हूँ, हाउ मैनी, हाउ मच, हूज और विच, इस टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते, उसके साथ जो उससे रिलेटेड नाउन या जो वर्ड लगा होता है वो भी उसके साथ लगता है, और फिर ये पूरा मिलके ही इसको क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। जैसे कौन सी किताब, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है, यानी विच बुक इज अ फुल क्वेश्चन वर्ड, ओनली विच इज नॉट अ क्वेश्चन वर्ड, विच बुक, अब ये पूरा ही क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसके बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वी, इसके बाद रीडिंग, विच बुक विल ही बी रीडिंग,
इस टाइप से होते हैं। अच्छा अब एक एग्जांपल देखते हैं, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। सबसे पहले कितने की क्या होती है, हाउ मच और हाउ मैनी। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझिए हाउ मच कब लगता है और हाउ मैनी कब लगता है। मैंने बताया था पहले भी काउंटेबल आइटम्स के लिए हाउ मैनी लगाते हैं, जिनको हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल आइटम्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, इस टाइप से इनको हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3। लेकिन स्टूडेंट्स, चौक, कोई भी एग्जाम्पल, टेबल, पेन, इस सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनके लिए लगता है हाउ मैनी। तो हाउ मैनी भी अब अकेला नहीं रहेगा, यानी कि पूरा क्वेश्चन वर्ड क्या बन गया, कितने लड़के, और इधर क्या बन गया, हाउ मैनी बॉयज। हाउ मैनी बॉयज, इसके बाद विल यानी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद अच्छा अब इसमें सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट कहाँ चला गया, इसमें तो हमने सब्जेक्ट लगाया था क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, उसी को क्वेश्चन बोले कितने लड़के कितने। ठीक है, तो हाउ मैनी बॉयज विल वी स्लीपिंग इन द रूम। अगर यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दीजिए, नहीं है तो उसे स्किप करते हुए सेंटेंस लिखते जाना है। लेकिन इसमें मोस्टली सब्जेक्ट होता है और कभी कभी नहीं भी होता, और जो हु वाला था उसमें सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि वो ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें इंटरोगेटिव भी करते हैं तो कहाँ लगाएंगे, सेम रूल, इंटरोगेटिव में कहाँ लगता है नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद, तो उसमें भी कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। वह कौन सी किताब पढ़ रहा होगा, विच बुक, कौन सी किताब, अब मैंने लगा दिया नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो विच बुक विल ही नॉट बी रीडिंग। सब्जेक्ट के बाद सेम रूल, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, हाउ मेनी बॉयज विल, अच्छा इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो ये इंटर नेगेटिव की तरह बन गया, विल नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम, नहीं सो रहे होंगे। सिंपल, उसी रूल में थोड़ा बहुत चेंज कर देना, स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहेगा। सम कॉमन मिस्टेक्स, शी विल राइटिंग अ लेटर। मैंने आपको क्या बताया था, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी, और विल होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, विल, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, नाउ इट इज करेक्ट। यू विल बी कमिंग, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आप मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो सेकंड पार्ट में जाइए, स्पेलिंग चेंजेस वहां आपको मिलेगा एक्सेप्शन के बाद, वहां पर मैंने स्पेलिंग को चेंजेस करना बताया है, आईएनजी कैसे लगता है, क्या इसका पैटर्न होता है। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट कमिंग। स्ट्रेटिव वर्ब में कभी भी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं हो सकता, जैसे यू विल बी लविंग दिस कार, दिस इज रॉन्ग, बट वी कैन यूज इंडेफिनेट टेंस, सो वी विल यूज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हियर इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यू विल लव दिस कार। टाइम क्लॉज कह लीजिए या कंडीशन, जिसमें कंडीशन लगी होती है, टाइम क्लॉज व्हेन, ठीक है, एज सून एज, इस टाइप से, इफ, वहां पर हम कभी भी फ्यूचर का टेंस का यूज नहीं करते, कोई भी फ्यूचर हो उस टेंस का यूज नहीं करते। तो आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू विल कॉल, आई विल बी स्टडिंग इज राइट, बट यू व्हेन यू विल बी कॉल, यू विल कॉल इज रॉन्ग। वी कैन यूज इंडेफिनिट टेंस हियर, so we will write with future, I will be studying when you call, ये future indefinite में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि इसका अगर सीरीज इधर हो, ठीक है, सीरीज मैटर नहीं करती, मीन्स पैटर्न मैटर नहीं करता, फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर है, जहां भी टाइम क्लॉज होगा, कंडीशन लगी होगी, वहां पर हमेशा इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे, और सेकंड में हमेशा फ्यूचर यूज करेंगे, अगर हमें फ्यूचर यूज करना है, कभी भी अपोजिट हम नहीं कर सकते, चाहे सेकंड सेंटेंस इधर लिखा हो, फर्स्ट वाला इधर लिखा हो, ठीक है, पैटर्न डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स, द कंडीशन मैटर्स। सो आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू कॉल, दिस इज करेक्ट द सेंटेंसेस। मेरी वीडियो को 5 to 10 मिनट्स के लिए पॉज कीजिए, या जितना टाइम आपको लेना है पॉज कीजिए, और ये 5 सेंटेंसेस में पहले पेरेंट्स खुद फाइंड कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए, और फिर यहाँ पर जो मैं बताऊंगी उसको चेक कीजिए कि क्या आपने बिल्कुल सही फाइंड किया है, यानी या सारे सेंटेंसेस को आपने करेक्ट कर दिया है, यानी
अगर कोई भी सेंटेंस आप करेक्ट नहीं कर पाते हो तो उस टॉपिक पर मेरी वीडियो खोलकर आप दोबारा देखिए और फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं इधर स्टार्ट कर रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग। ओके, यू पॉज माई वीडियो। दे विल बी हैविंग डिनर एट 8। सबसे पहले इसमें ये चीज देखी है, मैंने आपको बताया था हैव इज अ स्टेटिव वर्ब व्हिच शोज द स्टेट, बट देयर आर आल्सो सम वर्ब्स व्हिच समटाइम्स बिहेव एज डायनेमिक एंड समटाइम्स बिहेव एज स्टेटिव। तो इधर क्या हो रहा है, कोई स्टेट शो नहीं हो रही। दे विल बी हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे होंगे, मींस क्या शो हो रहा है, दे विल बी ईटिंग डिनर, टेकिंग डिनर, कोई एक्टिविटी हो रही है, यानी कि डायनेमिक वर्ब शो कर रही है, एक्शन शो कर रही है। तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। शायद बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने लिख दिया होगा दे विल है, बिकॉज वी कैन नॉट यूज स्टेटिव वर्ब इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सम वर्ब्स बिहेव एज डायनेमिक एज वेल एज स्टेटिव, लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है, बट मोर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा मीनिंग का सेंस क्या है। विल द स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर, अब इसमें क्या है, विल द स्टूडेंट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सिंगल इंटरोगेटिव है, और लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगती है, विल बी। अब यहाँ वी तो है ही नहीं, और वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी के बिना तो रॉन्ग हो जाएगा, तो हम वी कहाँ लगाएंगे, विल इंटरोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सॉरी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, और अगर उसका नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट यानी वी। नाउ इट इज करेक्ट, विल द स्टूडेंट्स नॉट बी लिसनिंग टू देयर टीचर, शी विल बी हैविंग अ न्यू कार। अब देखिए यहां मैंने हैविंग को सही बताया, क्या इधर भी हैविंग सही है, क्या इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, यानी कि कोई डायनेमिक वर्ब है या स्टैटिक वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, सबसे पहले आप ये पहचानना होगा, इसी से आप सॉल्व कर पाओगे। उसके पास एक न्यू कार होगी नेक्स्ट मंथ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन एक बात उसके पास होगी तो उसमें ना तो कार कोई वर्क कर रही है ना शी कोई वर्क कर रहा है, वो जो स्टेट बता रहा है, पजेशन शो कर रहा है इसमें, ठीक है, तो ये क्या बिहेव कर रहा है, बिहेव्स एज अ स्टैटिक वर्ब हियर, तो एंड विद स्टैटिक वर्ब वी कैन नॉट यूज कंटिन्यूअस फॉर्म, तो शी विल बी हैविंग इज रॉन्ग, शी विल हैव अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तो देखा, इधर हैविंग इज राइट बट हियर हैविंग इज रॉन्ग एंड हैव इज राइट, ये आपको सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा क्या कोई वर्ब डायनेमिक की तरह एक्ट कर रही है या स्टैटिक की तरह। सून यू विल बी डूइंग दिस चैप्टर, अगेन नोइंग इज अ डायनेमिक वर्ब, ठीक है, अगेन नोइंग इज अ डायनेमिक वर्ब, तो सून तुम जल्दी याद कर लोगे, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, मेंटल स्टेट, सून यू विल नो, तुम जान जाओगे, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, सून यू विल बी नोइंग दिस चैप्टर, तो स्टैटिक वर्ब में कंटीन्यूअस फॉर्म यूज नहीं करते, यानी कि ये और क्या आ जाएगा, विल नो, सून यू विल नो दिस चैप्टर, नेक्स्ट टुमारो ही विल बी गिविंग माई बुक, कल वह मुझे मेरी किताब दे रहा होगा, तो इसमें गिविंग की स्पेलिंग चेक करिए आप, ठीक है, गिविंग जी आई वी आई एन जी, यानी कि ई हटकर आई एन जी आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया है हमारा, हर तरह का रूल्स कुछ भी चीज उसमें, हर तरह से स्ट्रक्चर वगैरह आप सब पढ़ चुके हैं, तो इसी तरह से एक सेंटेंस को हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पर लेते हैं, आप अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखिए अपनी नोटबुक में, ही विल बी गोइंग टू मार्केट एंड 8 o'clock, और उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी दोनों, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, दोनों टाइप की सेंटेंस पहले खुद बनाइए, फिर यहाँ से ये चेक कीजिए कि आप करेक्ट हैं या नहीं, ठीक है, इस सबको हाइड कर लीजिए, मेरी वीडियो को पॉज करके केवल इतना नोट कीजिए, और ये 3 सेंटेंसेस खुद लिखिए, मैं यहाँ पर पढ़ के बताती हूँ सेंटेंसेस, ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है। अफर्मेटिव में मैंने लिखा है ही विल बी गोइंग टू मार्केट एट 8, ठीक है, और नेगेटिव में कहां पर लगाते हैं नॉट, विल और बी के बीच में, यानी कि विल और बी अलग हो जाते हैं, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट 8। अच्छा, अब मुझे पूछना है सिंगल, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यस और नो टाइप सेंटेंसेस,
Will he be going to market at 8? यानी कि हमेशा helping verb से start होते हैं single interrogative, इसके बाद subject आता है और इसके बाद बचा हुआ part लगा देते हैं helping verb, क्योंकि इसमें will and we, ठीक है, है एक ही helping verb है लेकिन ये अलग हो जाती है और हमेशा subject के बाद आती है. Going to market at 8 AM, ठीक है, या PM जो भी है. अच्छा, अगर मैं इसको नेगेटिव भी बना दूं, यही सब मैंने स्ट्रक्चर में बताया था ना, विल ही तो नॉट का लगेगा, इंटरोगेटिव में अगर हमें नॉट लगाना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो इंटरोगेटिव में क्या लगेगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट 8, और अगर मुझे ऐसे पूछना है वह 8 o'clock कहाँ जा रहा होगा, ठीक है, कहाँ जा रहा होगा, तो मैं इस पर कैसे लगाऊंगी, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, He, subject, be going, और at 8 भी आप add कर सकते हैं. 8 o'clock वो किधर, कहाँ जा रहा होगा, ठीक है. और अगर इसमें ये मुझे negative करना है, 8 o'clock कहाँ नहीं जा रहा होगा, तो कहाँ मैं लगाऊंगी, हमेशा subject के बाद. Where will he not be going at 8 o'clock? तो इस टाइप से आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फिनिश, प्रैक्टिस, सब कुछ फिनिश होता है. कंटिन्यूअस टेंस तीनों तरह के आपने लर्न कर लिए हैं, तो आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसकी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या चेंज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेंसेस केवल किस पर डिपेंड करती है, वर्ब पर, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती है वो होती है इज, आर, एंड. इस सिंगुलर के साथ, एम, आई के साथ और आर प्लूरल के साथ. पास्ट में वाज और वर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज सिंगुलर के साथ एंड वर प्लूरल के साथ. फ्यूचर में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना, चाहे सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, आपको विल बी ही यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब. और हर स्ट्रक्चर में कोई भी तरह का सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है. इंडेफिनेट की तरह नहीं होता है कि प्रेजेंट और पास्ट में अफर्मेटिव में नहीं होती, नेगेटिव से आती है, यहाँ सब में ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है सर कोई भी सेंटेंस हो. अब बात करते हैं मेन वर्ब. मेन वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, पास्ट में भी आईएनजी लगता है, यानी फ्यूचर में भी आईएनजी लगता है, नहीं कंटिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं. तो इधर आपके कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गए और इसी के खत्म होने के साथ आपके 6 टेंस खत्म हो गए हैं, यानी कि आपने हाफ टेंसेस सीखे हैं. सो कांग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू, यू हैव लर्न्ड 6 टेंसेस. नाउ ओनली 6 टेंसेस आर लेफ्ट, अब केवल 6 टेंस और बचे हैं, 6 आपने लर्न कर लिए हैं. तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अभी तक आपको कोई भी मेरी वीडियो में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन बटन प्रेस करने से नोटिफिकेशन आपके चैनल, मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगी, इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. सो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.